के दुफान रोड पर शराब के ठेका खोले जाने को लेकर मोहल्ला निवासी आज 5 दिन से धरने पर बैठे हैं। जहां इस बार ये शराब का ठेका खोला गया है, उसके कुछ ही दूरी पर एक स्कूल, गुरुद्वारा साहिब, शिव जी का मंदिर और एक प्राइवेट अस्पताल है। जनता का कहना है ये प्रशासन की सीधे नलायकी है। अगर अस्पताल की बात करें तो उसकी बाहरी दीवार के बिल्कुल साथ ही ये ठेका है और गुरुद्वारे और मंदिर बिल्कुल सामने है, जबकि स्कूल की दूरी 100 मीटर के करीब है। वहीं सभी मोहल्ला निवासियों का कहना है हमारे बच्चे यही से इस स्कूल में जाते हैं और सुबह शाम लोग गुरुद्वारे और मंदिर भी वही। ये ठेका कांग्रेस के कुछ लीडरों ने लिया है और वे यहाँ पर इसको गुंडागर्दी करके खोल रहे हैं। अगर प्रशासन ने इसे बंद ना करवाया तो हमारा धरना यूं ही चलता रहेगा और हम इस सड़क को खुलने नहीं देंगे और हम अपने संघर्ष को आगे ले जाएंगे। जब इस बारे में प्रशासन के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो अधिकारी ने फोन पर कहा कि वे पटियाला में ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं और उन्होंने फोन पर बताया कि ये ठेका खुलने से पहले हमने पूरी जांच की थी। सर जी सारे मोहल्ले वासियों को बहुत परेशानी आ रही है। ये तो सारे ने नंगना खोले, साढ़े स्कूल है, हस्पताल है, गुरुद्वारा साहब ने मंदिर साहब खोले है, तो सानू इतने नंगन की बड़ी मुश्किल हो रही है। एक पास तो असं अपने बच्चों को नशे तो बचा रहे हैं, दूजे पास इतने तो बच्चे देखेंगे उन्होंने की असर होएगा। प्रशासन साड़ी कोई मदद नहीं कर रहा। असं चौथी बार अज बैठे धरने से, हर बार सानू भरोसा दवा के उठाया जाता है पर साड़ियाँ भावनावान खिलवाड़ किया जाता है। पर हूँ असं सारे महला वास एक हैं, असं उन्नी देर नहीं उठाँगे जिनी देर तक ये ठेका बंद नहीं हो सके। असं सारे महलों अं कहना चाहते कि नशा जोड़ा बहुत बुरा है। एक पास तो यह कह रहे हैं कि पंजाब नशे का छेवन दरिया चल रहा है पर एक पास जबरदस्ती साडे घर नशा परोसया जा रहा है। इस करके सानू चाहिए सारे इकट्ठे होकर असं बैठे हैं तो प्रशासन भी चाहिए वो साडा साथ दे, ना कि वह लोटू टोले का जो साडे घर नशा दे रहा है तो साडे बच्चों कुराहे पा रहे। प्रॉब्लम तो यूँ है जी, साढ़े दसाई रोड से अच तक कितने ठेका नहीं खुलिया। ये पहली बार होया कि जो इतने ठेका खुल रहा, साढ़े गुरद्वारा साहब दोनों साइड ठेके के नेड़े ने, सैकंड स्कूल नेड़े आ और सामने मंदिर नेड़े आ और हॉस्पिटल की जमा कंध ना कंध सांझी आ, जिहड़ा लाभ ताप के ठेका नहीं खुल सकता। इतने बसों के बच्चे रैश है, इतने साढ़े महल सारे इतने साढ़िया बच्चिया स्कूल पढ़ने जाएगा ने, उन्होंने बहुत वड्डी दिक्कत है। सानू ये समझ नहीं आती कि इतों के कुछ चंद रीडर आ जेडे जिन्हां दे इन्हां ठेकियां दे विच शेयर आ, वो अपनी हिंकड़ दे नाल अपनी जोर जमाई दे नाल ये ठेका खोलना चाहुंदे आ। पर साडा महल्ले वाले असीं सारे इकट्ठे हाँ, दसाई रोड वासी सारे इकट्ठे हाँ, असीं ये शराब का ठेका इत्थे कदे भी नहीं खुलण देवांगे। लोगों दीआं भावनावां नूं समझदे होए ये शराब के ठेकियां नूं भी चाहीदा कि लोगों दीआं भावनावां नूं समझण और इत्थे जिहड़ा ठेका वो ना खोलण। सैकड हार्ट स्कूल आ जिहड़ा, वो मैं समझदा कि मोगे का सब तो वड्डा स्कूल आ, सब तो ज़्यादा बच्चों की स्ट्रेंथ हैगी सैकड हार्ट स्कूल के बच्चे आ। साडा जिन्ने इत्थे महल्लेदारी असीं लोग रहिंदे आ, सारे के बच्चे इस स्कूल पढ़ते हैं कि इस स्कूल जाने साडिया बच्चिया साडे बच्चे इस ठेके शराब के ठेके के मूर दी पढ़ने जाएंगे की शिक्षा लैणगे कि शराब के ठेके बोतल इतने जेडे बंदे दारू पीणगे इतने बैठ के और साडिया धीआं भैणां दा इतों लंघण आड़ा दुब्बर होगा कि असी बर्दाश्त करांगे। असी कदे भी बर्दाश्त नहीं करांगे, ना इस शराब का ठेका इतने खुलण देवांगे, ना इतने कदे पहला खुलिया सी। हरपाल सिंह, दिव्य पंजाब टीवी, मोगा। Thank you.